हाँ मैंने लक्ष्मी की कोई चिंता नहीं की, पर अब डू कर रही हूँ ना। पर वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों, जब आज तक नहीं किया तो अब क्यों कर रही हो? इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे से एड्रेस था कि लक्ष्मी अपना जीवन खुद अच्छे से संभालेगी, पर आज अगर लक्ष्मी ठीक नहीं हुई तो कौन संभालेगा उसे? क्यों, ऋषि है ना, प्यार करता है उसे, वो संभालेगा लक्ष्मी को। प्यार आई सी पूरी दुनिया ने, हाँ बहुत अच्छे से लुकिंग किया मैंने पूरी दुनिया को, इसलिए अच्छे से जानती हूँ कि प्यार व्यार ना कोई नहीं देखता ऐसे टाइम पे, सब अपनी तकलीफ और सहूलियत देखता है बस। अरे एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी संभाली होती ना तब भी लोगों की हालत खराब हो जाती, और ये लक्ष्मी इतनी बड़ी बच्ची की जिम्मेदारी कैसे अकेले लिफ्ट करेगा ऋषि, हाँ कैसे संभालेगा लक्ष्मी को? और चलो एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि ऋषि लक्ष्मी को संभाल लेगा, पर वो नीलम, वो नीलम महारानी, वो मानेगी इसके लिए? ये तो है, इतना सब कुछ होने के बाद जैसे तैसे बहू मानने को रेडी हुई है, इसके लिए तो, इसके लिए मानेगी कि नहीं ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना, इसलिए तो टेंशन डू कर रही हूं मैं। ऐसे करेंगे तो इनका इलाज कैसे होगा? इलाज क्यों कराऊं, इलाज यहाँ पे, हाँ आपके पास इलाज क्यों कराऊं? आप गारंटी देती है कि लक्ष्मी ठीक हो जाएगी बिल्कुल आपके इलाज के बाद? देती है, नहीं देती ना, तो फिर क्यों कराऊं यहाँ पे? देखिए इस बारे में मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ। हाँ तो मैं भी आपसे वापस से कह रहा हूँ कि मुझे लक्ष्मी का इलाज यहाँ पे नहीं करवाना, ऐसे टॉर्चर करेंगी इसे, ऐसे परेशान करेंगी इसे, दुख देंगी, हाँ उसकी बॉडी में कितना दर्द हो रहा है आपको अंदाजा भी है? मैं नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, इसका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, मैं लेके जा रहा हूँ। ऋषि भाई कोशिश तो कर सकते हैं ना? आयुष कोई कोशिश होगा तू मुंह बंद रखा, कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं लक्ष्मी को यहाँ नहीं रुकने दूंगा एक सेकंड के लिए भी। लक्ष्मी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ओके घर चलेंगे ठीक है? डॉक्टर इलाज कैसा रहा लक्ष्मी का? हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड? वो ठीक तो हो जाएगी ना? इन्होंने ट्रीटमेंट होने कहाँ दिया? I'm sorry. अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ थैंक यू, कोई जरूरत भी नहीं कुछ करने, दैट आई एम रियली सॉरी, लेकिन लक्ष्मी को यहाँ पे एक सेकंड और नहीं रुकने दूंगा, आपको अंदाजा भी नहीं है बेचारी कितनी कितनी तड़प रही थी, कितनी चीख रही थी अंदर। मैं लक्ष्मी को टॉर्चर नहीं होने दे सकता। आई अंडरस्टैंड इश्यू, पर इलाज होना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो वो ठीक कैसे होगी? अब जो भी इलाज होगा ना, ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ घर पे होगा, हम सब मिलकर लक्ष्मी का ट्रीटमेंट करेंगे, लक्ष्मी बिल्कुल सही हो जाएगी, हम घर लेके जाएंगे लक्ष्मी को। आयुष तू शालूबानी को लेकर आ, मैं ऋषि लक्ष्मी को साथ लेकर जाता हूं। I swear, ऋषि भाई अपनी लाइफ लक्ष्मी के पीछे पूरी तरह से खराब कर देंगे, पहले तो वो सिर्फ मनुष्य थी और अब तो वो पागल भी हो गई, नहीं कब पीछा छोड़ेंगे उसका। सोनिया प्लीज काम डाउन, मत बोल कुछ। करिश्मा जरा वीर को फोन लगा के दे। मॉम आपको अब भी यही उम्मीद है कि लक्ष्मी ठीक हो जाएगी? नहीं कोई उम्मीद नहीं है। देखा मैंने कहा था ना कोई फायदा नहीं है, अब लक्ष्मी ठीक नहीं हो सकती, वो पागल हो गई। और दादी आपको भी तो अब कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है कोई उम्मीद, क्योंकि मैंने उम्मीद की ही नहीं बल्कि विश्वास किया है, विश्वास है मुझे कि उसका इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। ईश्वर उसकी इतनी बड़ी परीक्षा नहीं ले सकते। करिश्मा तो फोन लगा के दे। It's ringing. हाँ करिश्मा। वीर। माँ। वीर सच बताना। इलाज हो जाएगा ना? लक्ष्मी ठीक हो जाएगी ना? सच बताना है तो सच ये है माँ कि लक्ष्मी का इलाज नहीं हो पाया, हम उसे घर लेकर आ रहे हैं।